देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव, किसी भी चीज में कितना ज्यादा चेंज आ सकता है। इलास्टिसिटी मींस चेंज इन डिमांड इन कंपैरिजन टू द प्राइस। अब वो प्राइस से कंपेयर करने में हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम से कंपेयर करने में आ सकता है, या अदर रिलेटेड गुड के कारण किसी भी चीज से आ सकता है। कि मतलब देखिए, इलास्टिसिटी आपने वो एक ऐड भी देखा होगा जिसमें सलमान खान होता है, कहता है सुमो भैया को भी चाहिए स्पेंडिंग्स की ताकत। मतलब अगर एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, इफ वन फैक्टर इज अफेक्टिंग, देन वॉट रिजल्ट वी आर सीइंग इन डिमांड। मतलब अगर प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज आया, बहुत कम चेंज आया, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बच्चा? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसे हम ED से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P अपॉन Q। यहाँ P1 और Q1 ले लेता हूँ, और फॉर्मूले में याद रखिए, ये जो माइनस का साइन मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये हमेशा रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, या प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन जो चलता है उसको इंडिकेट करता है ये माइनस का साइन। अब देखिए, मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस पहले 10 था और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी। अब मान लीजिए उस कमोडिटी का प्राइस 5 हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 10 हो गई, ठीक है। ये P1, Q1, P2, Q2। अब पहले तो हम निकालते हैं चेंज इन P। बच्चा, चेंज इन P निकालने का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1, और चेंज इन Q निकालने का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1। यहाँ Q2 वाली बात नहीं है, Q2 बोल रहा हूँ, कभी Q2 समझो। हाँ, आगे देखो, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5, इधर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो अब आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ये माइनस का साइन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे तो या तो प्राइस कोई ना कोई एक माइनस में आएगा या क्वांटिटी आएगी, तो इस माइनस के साइन को हम नलीफाई कर सकें, इसलिए हम इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस के साइन को कैरी करते हैं। अब देखिए, चेंज इन क्यू निकला मेरा, माइनस का साइन कॉमन है 5, अपॉन चेंज इन पी माइनस 5 है, इनटू पी वन था हमारा 10 और क्यू वन था हमारा 5। देखो, माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा 2, ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी आई बच्चा 2। क्लियर? अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ईडी पॉइंट कर दिया, अब आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप की इलास्टिसिटी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में, तो बच्चे आपको याद रखना है कि हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, टोटल हमारे पास 5 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। नंबर 1, जब जब ED इज इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या कहेंगे बच्चा? परफेक्टली अन इलास्टिक। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है ED इज लेस देन 1, तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। क्या कहेंगे बच्चा? इन इलास्टिक। और थर्ड नंबर पे फिर हमारे पास आता है ED इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। और थर्ड के बाद फोर्थ पे हमारे पास है ED इज ग्रेटर देन 1, इसको हम कहते हैं इलास्टिक। क्या कहते हैं बच्चा? इलास्टिक। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं बच्चा? अब देखो, इन इलास्टिक का मतलब लेस चेंज, इन इलास्टिक का मतलब लेस चेंज, और इलास्टिक का मतलब हाई चेंज। ओके, तो क्या अगर प्राइस में ज्यादा चेंज है या प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है तो वो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, और बहुत कम चेंज है तो वो होगी इन इलास्टिक। और प्राइस में चेंज आने पर भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे में ED इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं सॉल्ट।
अब बेटा नमक के प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, क्या आपके नमक की डिमांड में चेंज आएगा? नमक सस्ता हो या महंगा हो, अगर एक पैकेट कंज्यूम होता है महीने में तो एक ही पैकेट होगा। ऐसा नहीं कि सस्ता हो गया तो अब चाय में भी नमक डल रहा है, हलवे में भी नमक डल रहा है, खीर भी नमकीन बन रही है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इसको मेज़र करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला मेथड बच्चा जो हमारे पास आता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं पी इंटू क्यू। क्या कहते हैं? पी इंटू क्यू। सबसे पहला केस देखो जरा, केस वन। अगर बच्चा मान लो पहले प्राइस 10 था, ठीक है, जब मैं आपसे बात करूं तो यहां लिख लेता हूं मैं प्राइस को और यहां लिख लेता हूं मैं क्वांटिटी को, और इधर हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सपेंडिचर। मान लो पहले प्राइस 10 था और क्वांटिटी डिमांडेड 5 था, अब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गई। अब देखो ऐसे में क्या है, तो पहले एक्सपेंस निकालो, 10 इंटू 5 टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 50, पर बेटा जब प्राइस बढ़ा 20 इंटू 4 टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ 80। इट मीन्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया या राइज कर गया। तो जब भी एक्सपेंडिचर राइज करेगा इसको हम कहेंगे इलास्टिक। क्या कहेंगे? इलास्टिक। फिर केस थ्री समझो, केस टू सॉरी। अब मान लो पहले प्राइस 10 था, ठीक है, और क्वांटिटी 4 थी, अब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी 2 हो गई। अब देखिए जरा, 10 इंटू 40 कितना, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर में नो चेंज, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहेंगे बच्चा? यूनिटरी इलास्टिक। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे केस थ्री की, मान लो पहले 10 था, क्वांटिटी 5 थी, प्राइस 20 हो गया और क्वांटिटी 2 हो गई। अब देखिए, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 50, अब एक्सपेंडिचर कितना है 40। इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर विल फॉल, कम करेंगे लोग खर्चा, तो जब भी कम होगा इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। क्या कहेंगे बच्चा? इन इलास्टिक। क्लियर है? ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब आइए मैं बताता हूँ आपको सेकेंड मेथड जो हमारा है, परसेंटेज मेथड। क्या है बच्चा? परसेंटेज मेथड। किस तरीके से हम परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो परसेंटेज मेथड में बच्चा सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको परसेंटेज निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? अब उसका फॉर्मूला क्या है पहले देख लो, माइनस का साइन कॉमन रहेगा, परसेंटेज चेंज इन पी, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो कैसे, अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर लिया था P1, P2, पहले प्राइस 10 था फिर प्राइस 5 हो गया, पहले क्वांटिटी 5 थी अब क्वांटिटी Q1, Q2 10 हो गई। तो अब मान लो पहले तो इसमें आपको क्या परसेंटेज चेंज इन निकालना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा सबसे पहले क्या निकालोगे, चेंज इन पी। फॉर्मूला क्या बताया था अभी, P2 माइनस P1 क्या 5 माइनस 10, इट विल बी माइनस का 5। ओके, सेम गोज फॉर क्वांटिटी, क्या होगा चेंज इन क्यू का फॉर्मूला, 10 माइनस 5 इट विल बी 5। अब ये तो चेंज इन पी और चेंज इन क्यू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में, परसेंटेज चेंज इन पी। तो बच्चा याद रखना, इधर लिख रहा हूं मैं परसेंटेज चेंज इन पी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पी अपॉन P1 इंटू 100, और सेम परसेंटेज चेंज इन क्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो जरा देखते हैं अपना पी कितना आएगा भाई, चेंज इन पी कितना था मेरा 5 था, माइनस का लिखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग कहते हैं माइनस में परसेंटेज नहीं निकालो, कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है, रेक्टिफाइड हो जाएगा। फिर P1 है हमारा 10 इंटू 10, तो यहाँ पर हमारा चेंज इन पी निकल के आया माइनस 50। इतनी बात क्लियर है भाई?
फिर चेंज इन क्यू की बात अगर हम करें तो क्यू आया था 5 और क्यू वन था आपका 5 इंटू 100, यहाँ पर आया 100%। वैल्यू पुट करो, देखो माइनस का साइन कॉमन रखना, क्यू है 100 अपॉन चेंज इन पी है -50, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि कितना आ गया ईडी 2। दोनों ही मेथड से सेम आया है नहीं आया है? और बच्चा इसमें भी इलास्टिसिटी यही 5 सेम रहेंगे। अब बताओ ईडी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? यहाँ 2 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। क्लियर है? अब एक चीज और सुन लो, जब इतनी बात रखी है भाई, ईडी कब जीरो होगी परसेंटेज मेथड से बहुत इजीली समझ आ जाता है। क्या? जब जब 0/1 का केस हो, इट मींस परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 0। जब जब परसेंटेज चेंज इन क्यू 0 आ जाए, समझ लेना परफेक्टली इलास्टिक है। और ये अगर मैं पूछूं कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होगी, तो इट मींस 1 से कम, यानी कि 1/2। परसेंटेज चेंज इन क्यू इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन पी, ये कंडीशन आएगी। और 1:1 अगर है तो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी। दूसरा क्या, इलास्टिक में बच्चा 2/1 का केस हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन पी। और यहाँ इनफाइनाइट कब आता है? जब हो जाए 1/0। इट मींस परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू 0। तो इनको आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ये एमसीक्यू में सीधा फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती हैं। फिर अगर हम बात करें, हमारा लास्ट मेथड है बच्चे, हमारे पास आता है जियोमेट्रिक मेथड। वैसे तो ये सिलेबस से कट चुका था, पर सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखो, ज्योमेट्रिक मेथड में आपको क्या याद रखना है कि अभी मैंने आपको एक डिमांड कर्व सिखाया था, है ना? उस डिमांड कर्व को जरा एक बना लो, प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड है। अब इसको डिवाइड कर लो, ये है सपोज ए, ठीक, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ज्योमेट्रिक मेथड में ईडी का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आपने बचपन में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ज्योमेट्री? यानी कि लोअर सेगमेंट, अगर एक पॉइंट की बात करें तो उससे नीचे कितना सेगमेंट है और उससे ऊपर कितना सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये समझना है कि जितने भी सेगमेंट हैं ये सब 1 सेंटीमीटर ईच है, ठीक है? ये भी 1 सेंटीमीटर है, 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 ठीक है? अब समझो जरा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें लोअर सेगमेंट ए से बात करें, तो ए से नीचे कितना है? ए से ई तक है, यानी कि लोअर सेगमेंट हमारा ए ई है, और अपर सेगमेंट बच्चा ए से ऊपर है 0। क्या है? 0। ए से ऊपर तो कुछ नहीं है। और अभी मैं आपको सिखा के आया हूँ कि जब अपॉन में 0 हो जाए तो इसका मतलब यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है सिचुएशन? इलास्टिक। अब मान लो अगर मैं आ जाऊँ पॉइंट बी पे, किस पे आ जाऊँ? इस पॉइंट पे। ऐसे ही आपको समझना होगा, पहचानना होगा। तो बी पे, अब देखो बी से नीचे कितना है? लोअर सेगमेंट है बी ई, और बच्चा अपर सेगमेंट है बी ए। तो अगर हम बी ई की बात करें कितना होगा? 1, 2, 3 सेंटीमीटर, और बी ए कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 3/1 का केस बन रहा, अपर सेगमेंट ज़्यादा है, चेंज इन क्यू परसेंटेज चेंज इन क्यू इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन पी। इट मीन्स ये हो गया इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? फिर अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी पे, किस पे बात करूँ? सी पे। तो देखो सी से नीचे कितना है? सी ई, लोअर सेगमेंट सी ई और अपर सेगमेंट सी ए। सी डी 1 सेंटीमीटर, डी ई यानी कि सी ई हो गया 2 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 2, कट के कितना आया? 1। तो ये हो गया यूनिट्री इलास्टिक। क्लियर है बच्चा? अब इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आ जाऊँ डी पे, किस पे आ जाऊँ? डी पे। तो डी से ऊपर कितना है भाई? लोअर सेगमेंट हो गया हमारा डी ई और अपर सेगमेंट हो गया डी ए। तो डी ई तो 1 सेंटीमीटर का है ना, और अपर सेगमेंट हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। इट मींस कि 1 न्यूमरेटर इज लेस देन
डेनोमिनेटर तो ये हो गया इनइलास्टिक, क्या हो गया इनइलास्टिक। और जब मैं बात करूँ पॉइंट ई की, तो ई से नीचे तो कुछ है नहीं, तो यानी कि लोअर सेगमेंट जीरो और ई से ऊपर है कितना, एक दो तीन चार, फॉर एग्जाम्पल ई से नीचे तो नहीं है जीरो। अरे देखो समझो, इस ई के बाद नीचे कुछ नहीं है, तो हम ई के नीचे लोअर सेगमेंट में क्या मान लेंगे, जीरो, है ना। और अपर सेगमेंट में ई से ए तक है, यानी कि ये हो गया ई ए, तो हमारा इक्वेशन क्या निकला, जीरो अपॉन फोर सेंटीमीटर, क्योंकि ई से ऊपर सब एक एक सेंटीमीटर के हैं, तो ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी आपको सिखाया था या नहीं सिखाया था, आप देख सकते हैं, देखिए रुकिए दिखा रहा हूं, ये देखिए इनइलास्टिक में अपर सेगमेंट जब जीरो हो जाए है या नहीं, तो यहां पर हमारा अपर सेगमेंट जीरो है या नहीं। क्लियर है बच्चा, आई होप आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के सभी मेथड क्लियर रहे होंगे। इसके बाद फिर हमें बात करनी होती है कुछ फैक्टर्स की, किसकी बात करनी होती है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं, देखिए पहला फैक्टर आता है नंबर ऑफ यूज, नंबर ऑफ यूज। अगर कमोडिटी के हायर यूज है बच्चा, तो इलास्टिसिटी भी, इलास्टिसिटी इज हाई। अगर लो यूज है तो इलास्टिसिटी इज लो, ठीक है। फिर नेचर, अगर कोई लग्जरी आइटम है तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, अगर कोई नेसेसिटी आइटम है तो उसकी इलास्टिसिटी लो होगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट याद रखना, सब्स्टिट्यूट, अगर किसी कमोडिटी के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हायर सब्स्टिट्यूट हाई इलास्टिक, ठीक है। लो सब्स्टिट्यूट, अगर मान लो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो लो इलास्टिक। ये तीन पॉइंट बच्चा आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको इससे ज्यादा नीड नहीं है याद करने की, ठीक है। अब जरा एक बार जल्दी से कर्व और देख लो, इलास्टिसिटी कर्व को समझने के लिए इससे अच्छी टेक्निक मुझे शायद ही कोई लगती होगी क्या, कि भाई पहले तो आप एक लेटा हुआ एल बना लो, फिर उस एल को बीच से काट दो, फिर उसके बीच के हिस्से को भी दो पार्ट्स में काट दो। अब ये ई डी इज इक्वल टू जीरो, ई डी इज लेस देन वन, ई डी इज इक्वल टू वन, ई डी इज ग्रेटर देन वन और ई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये पांचों कर्व एक साथ है, याद कर डालिए। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब आपसे मैं मिलूँगा अगली वीडियो में न्यू यूनिट, न्यू टॉपिक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को फैलाइए। भाई आपके लिए जुट रहे हैं हम यार, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे, कैसे मन करेगा बताओ पढ़ाने का। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करा रहा हूँ सीयूटी की, इसके बावजूद तुम लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कभी कभी बहुत डिमोटिवेटिव फील होने लगता है यार, छोड़ दे क्या वीडियो, बताओ, चलो जल्दी से लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।